आज का ये वीडियो ब्लॉग उन लोगों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए जो हर उस बात के ऊपर हाय तोबा मचाने लग जाता है जब भी सरकार की तरफ से किसी वेलफेयर स्कीम का ऐलान किया जाता है। सरकार की तरफ से ऐलान किया जाता है कि वो कोरोना काल के दौरान 5-5 किलो अनाज गरीब लोगों को देगी। सरकार की तरफ से जब भी ऐलान किया जाता है किसानों के लिए सब्सिडी का या किसी वर्ग के लिए कर्ज माफी का, हालांकि किसानों के लिए सब्सिडी हो या कर्ज माफी हो, इस तरह की स्कीम्स अब लगभग बंद हो गई है, लेकिन जब भी चाहे बेशक राज्य सरकार की तरफ से ही इस तरह का ऐलान होता है तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो खूब हल्ला करता है कि देखिए हमारे टैक्स के पैसों को किस तरह से सब्सिडी में या फिर गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम में उड़ाया जा रहा है। वो लोग ध्यान से सुने, तीन महत्वपूर्ण तथ्य बहुत ध्यान से सुने जिससे आपको पता चलेगा कि आप लोगों के टैक्स के पैसे का सरकार किस तरह से इस्तेमाल कर रही है। और टैक्स के पैसे यानी इस देश के हर नागरिक के द्वारा दिए जा रहे टैक्स, देश का हर नागरिक भिखारी से लेकर अडानी अंबानी तक देश का हर नागरिक टैक्स देता है, उन लोगों के पैसों का सरकार किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, तीन तथ्य आप लोगों को जानने जरूरी हैं। मोदी सरकार के दौरान ये जो 7 साल का कार्यकाल रहा है इसके दौरान 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं। बैंक फ्रॉड किस तरह के, जिस तरह से विजय माल्या और नीरव मोदी ने किए हैं, इस तरह के बैंक फ्रॉड हुए हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, बड़े बड़े लोगों ने बैंकों के पैसे हड़प लिए हैं, घोटाला हुआ है। इन 7 साल के दौरान बैंकों के जो एनपीए हैं उसमें 21 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। एनपीए यानी लोगों ने बैंकों से कर्ज लिया, वो वापस नहीं लौटा रहे हैं या ये लौटा पा रहे हैं, और जाहिर तौर पर इसमें ज्यादातर लोन उन लोगों के हैं जो हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए बैंकों का ले लेते हैं और वापस नहीं देते। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति बड़ी मात्रा में शामिल हैं। और तीसरा तथ्य, 8,17,000 करोड़ रुपए बैंकों ने उद्योगपतियों के बट्टे खाते में डाल दिए हैं। जहां उद्योगपतियों ने जो कर्ज लिया, जो उन्होंने वापस नहीं लौटाया, उसको एक तरह से ऐसे खाते में डाल दिया जाना कि अब ये वापस नहीं आएंगे, उनको बट्टे खाते में डाल दिया गया 8,17,000 करोड़ रुपए। ये इसी मोदी सरकार के दौरान हुआ, ये उसी पैसे के साथ हुआ जो आप लोगों ने टैक्स के रूप में सरकार को दिया, या फिर आप लोगों की जमा पूंजी जो बैंकों के अंदर बंद थी, बैंकों में जमा थी। बैंकों में जमा इसी पूंजी के साथ अब देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला उजागर हुआ है। बैंकिंग घोटाला हुआ है 23,000 करोड़ रुपए का। 28 बैंकों के साथ इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। एक और अजीब इत्तफाक है, हर बार गुजरात के किसी न किसी उद्योगपति या कंपनी का नाम इस तरह के घोटालों में जुड़ता है, और एक बार फिर गुजरात की एक कंपनी है, शिपयार्ड कंपनी है ABG, उसकी तरफ से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। 28 बैंकों को 23,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। ABG ने जो कुल घोटाले को अंजाम दिया है, ये कुल जोड़ बनता है नीरव मोदी और विजय माल्या के घोटाले का, क्योंकि नीरव मोदी ने बैंकों को 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया था और विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया था। इन दोनों के जोड़ के बराबर 23,000 करोड़ रुपए का चूना अकेले ABG शिपयार्ड कंपनी ने बैंकों को लगाया है। ये कमाल का इत्तफाक है कि एक बार फिर जिस कंपनी के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर बैंक फ्रॉड के आरोप लगे हैं वो गुजरात से ही है। और ये भी कमाल का इत्तफाक है कि एक बार फिर उन लोगों के ऊपर नरेंद्र मोदी के नजदीकी होने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया गया है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस शिपयार्ड कंपनी को बहुत कम रेट के ऊपर जमीन उपलब्ध करवाई थी, और इस कंपनी के जो मालिक है ऋषि अग्रवाल, वो एक जमाने में नरेंद्र मोदी के बहुत
करीबी हुआ करते थे। इससे पहले आपको याद होगा कि बैंक घोटालों में ही जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, जो लोग हजारों करोड़ रुपया बैंकों का लेकर भाग गए हैं दूसरे देशों में, उनमें वो चाहे नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, अनिल मोदी हो, इन तमाम लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजदीकी संबंध के आरोप लगते आए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो ब्लॉग में, इस जानकारी में इतना ही। आप लोगों को कैसी लगी, इसमें क्या आप लोग भी कुछ जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए।